Hello everyone, today we are going to discuss The Voice of the Rain. Class 11th Hornbill की book की एक poem है जिसका नाम Voice of the Rain और इनके writer है Walt Whitman. चलिए इस poem को discuss करते हैं. इस poem के total lines की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 lines है. शुरुआत की 6 lines को पहले discuss करेंगे और उसके बाद में, जैसा कि आपको पता है, द वॉइस ऑफ द रेन का मतलब है बारिश की आवाज़. क्या आपने कभी बारिश की आवाज़ सुनी है? चलिए, वॉल्ट व्हाइटमैन ने तो सुनी है. चलिए अपन देखते हैं क्या ये पोएम है. पहले मैं पोएम्स की कुछ लाइंस पढ़ूंगा और उसके बाद में आपको हार्ड वर्ड्स बताऊंगा. तो पोएम इस तरह शुरू होती है. एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. एंड हु आर दाउ, हु आर दाउ का मतलब होता है हु आर यू, यानी कि नरेटर पोइट पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखते हैं. एंड हु आर दाउ, कौन है आप. सेड आई, आई यहाँ पर कौन है, नरेटर. सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार, सॉफ्ट फॉलिंग शार, मैंने सॉफ्ट गिरते हुए शार से पूछा कि कौन हो तुम. विच स्ट्रेंज टू टेल, ये बताना कितना स्ट्रेंज है. गिव मी एन आंसर, मुझे एक आंसर दिया एज यर ट्रांसलेटेड. देखिए तो ये बताना स्ट्रेंज होगा कि मुझे वॉइस ऑफ द रेन यानी सॉफ्ट फॉलिंग शार ने मुझे आंसर दिया. क्या आंसर दिया, आई एम द पॉम ऑफ द अर्थ. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन ने क्या आंसर दिया कि मैं तो पोएम हूँ अर्थ की. क्या हूँ मैं, पोएम हूँ. इटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी अपवर्ड्स टू हेवन वेयर्स वेगली फॉर्मड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम. तो यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स अपन देख लेते हैं. इटर्नल आई राइज, तो इटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग यानी फॉर एवर. इटर्नल का मीन्स क्या होता है, फॉर एवर. फॉर एवर आई राइज, आपको पता है बारिश का जन्म हमेशा होता रहता है. इम्पेल्पेबल, इम्पेल्पेबल का मतलब है विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, ऐसे जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, लैंड से यानी जमीन से और बॉटमलेस सी से. आपको पता है बारिश जो होती है उसका जो निर्माण होता है, उसका जो ओरिजिन होता है, वो जमीन से भी होता है और बॉटमलेस सी से भी होता है. अपवर्ड्स टू हेवन, और कहाँ पर जाती है वो, हेवन यानी कि स्काई, स्काई यानी कि आसमान में. वेंस वेगली फॉर्म, जहाँ पर वो वेगली यानी कि धुंधले तरीके से फॉर्म यानी बनती है. अल टुगेदर चेंज, यानी कि इसका फॉर्म चेंज हो जाता है. जब रेन यानी कि बारिश अर्थ से राइज होती है, ओरिजिन होती है, तो वो फॉग होती है यानी कि मिस्ट के रूप में, यानी कि इवोपरेशन में यहाँ पर इसका जन्म होता है और बाद में जाकर के कम्प्लीटली चेंज होती है. तो अल टुगेदर का मीन्स क्या होता है, कम्प्लीटली. अल टुगेदर मतलब कम्प्लीटली. ये ऑल टुगेदर और अल टुगेदर बहुत आर डिफरेंट वर्ड. वो होता है ऑल टुगेदर, ओके, ऑल टुगेदर कम्प्लीटली चेंज एंड येट द सेम, फिर भी वो सेम रहती है. यहाँ तक समझ में आया. अब नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट ऑटोमिक डस्टी लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट और सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग रॉक्ड और अनरॉक्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं राइटर, आई यानी कि आगे पोएम जवाब देती है. आई मतलब रेन, रेन यहाँ पर बोल रही है. डिसेंड टू लेव द ड्रॉट, डिसेंड का मतलब क्या होता है, कम डाउन. डिसेंड का मतलब क्या होता है, कम डाउन. लेव द ड्रॉट, लेव का मतलब होता है वॉश, नहाना, बाथ. लेव द ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा. ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा, यानी कि अर्थ बहुत ज़्यादा सूखा होता है, उसको बारिश खत्म कर देती है. ऑटोमिक डस्टी लेयर्स ऑफ द ग्लोब, पूरे डस्ट में, ये जो अपना ग्लोब है, अर्थ है, उसके अंदर बहुत सारी डस्ट है, बहुत सारा पोल्यूशन है, तो जब बारिश आती है तो सब कुछ धुल जाता है. ऑटोमिक डस्टी लेयर्स ऑफ द ग्लोब, यानी कि छोटे छोटे एटम्स होते हैं वो सब धुल जाते हैं. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और वो सारी चीज़ें जो अर्थ के अंदर है वो मेरे बिना क्या रह जाएगी, सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न. लेटेंट का मीन्स क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ, बरी, यानी कि मेरे बिना जो सीड्स हैं वो सिर्फ छुपे हुए रह जाएंगे, उनका जन्म नहीं हो पाएगा, अनबॉर्न रह जाएंगे. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और हमेशा हमेशा के लिए, दिन और रात. आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन, मैं अपने खुद का जन्म करती हूँ, ओरिजन. एंड मेक प्योरीफाई, मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं प्योर और ब्यूटीफाई करती हूँ किसको, यानी कि अर्थ को. फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग, यानी कि जिस तरह से सॉन्ग इशू होता है एक राइटर के हार्ट से और पूरी जगह घूम के, वेंडरिंग का मतलब होता है घूमना, क्या करके आता है, पूरी जगह घूम के आता है और वो अपने लव को रिटर्न करता है. रॉक्ड और अनरॉक्ड,
रोग्ड और अनरोग्ड का मतलब है यानी कि कोई चिंता करे या नहीं करे, एक बड़ी इफ समबडी केयर्स और नॉट। जो रेन का काम है वो है सब जगह आना और ऑटोमेटिकली को हटा देना और सफाई करना, प्योर करना, ब्यूटीफाई करना और सीड्स को जन्म देना विद लव रिटर्न, यानी कि लव को वो रिटर्न करती है। तो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड द पोम वॉइस ऑफ द रेन। सो हियर इज द समरी, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और जस्ट नोटिस द पोम। द पॉइंट आज द शॉर्ट फॉलिंग शार्ड, यानी कि इस पोएम के अंदर शॉर्ट फॉलिंग शार्ड से कौन होता है, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड विच शी रिप्लाइज, यानी शी यहाँ पर यूज हुआ है रेन के लिए, दैट शी इज द पोम ऑफ द अर्थ। क्या कहती है वो, पोम ऑफ द अर्थ। और ये स्ट्रेंज थिंग है फॉर द रेन टू रिप्लाई टू द पोइट। और ये कितनी अजीब बात है कि पोइट को रिप्लाई कर रहा है। द रेन टोल्ड द पोइट डैट शी कैनॉट बी टच्ड एज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द स्काई, यानी कि वो कहता है कि इम्पेल्पेबल, उसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, यानी कि वेपर के रूप में वो आसमान मूर्ती है फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस सी, यानी कि बॉटमलेस सी से। इट चेंजेज इट्स शेप येट इट रिमेन्स द सेम। देखो उसका शेप चेंज होता है, पहले वेपर होता है, बाद में जाके क्लाउड्स एंड देन अगेन रेन। रिमेन्स द सेम, वो हमेशा सेम रहती है। वेपर चेंजेज इन टू क्लाउड्स एंड ड्यू टू कंडेंसेशन, ये आपको साइंस में पढ़ा होगा कंडेंसेशन क्या होता है। It falls back on the surface of the earth to provide water to the drought prone areas. Drought prone area मतलब जहाँ जहाँ पे सूखा है, सूखा यानी कि जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पर। And to beautify and purify the earth, किसके लिए beautify और purify करने के लिए अर्थ को, its birthplace, यानी कि जो रेन है उसका जन्म भी यहीं से हुआ है तो वापस यहीं आती। It provides life to the seeds inside the earth and help them grow. ये इनसाइड द अर्थ क्या करती है, प्रोवाइड करती है सीड्स को और उनको बढ़ने में मदद करती है। द रेन डजंट केयर इफ एनीबडी बदर्स अबाउट हर डीड्स और नॉट, रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसके आने 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 चिंता करता है नहीं। शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम, वो अपना काम करती है और घर लौट जाती है। द पोइट कंपेयर्ड द रेन विद अ सॉन्ग एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी। अब पोइट यहाँ पे कंपेयर करता है इसको, सॉन्ग को और अपनी जर्नी को, क्योंकि सॉन्ग क्या करता है, द सॉन्ग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर। सॉन्ग का जन्म क्या होता है, सिंगर के हार्ट से। ट्रैवल्स अक्रॉस द होल 59 और वो जाता है, सब लोग उसको सुनते हैं। उसी तरह से अर्थ का भी जन्म होता है और वो वापस अर्थ पर ही वापस आ जाए, जो सिंगर होता है वो गाना गाता है, सब लोग सुनते हैं और वो उसको भी मजा आता है बिकॉज ऑफ द सॉन्ग। कम्स बैक विद द ड्यू लव फॉर द सिंगर इट्स ओरिजिनेटर, मतलब जिसका जन्म होता है वहीं पर आ जाता है। तो इस तरह से हमने वो वॉल्ट व्हाइटमैन की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन को कम्प्लीट किया। आई होप द पोएम इज क्लियर टू यू। इफ़ यू आर नॉट हैविंग, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन रीड द पोएम वंस अगेन और वॉच द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।